व्यूअर्स, कुकिंग विद सुमना में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बंगाल की एक फेमस डिश एक मुगलई पराठा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो फटाफट रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। एक मुगलई पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा को गूंध लेते हैं। ये मुगलई पराठा मैदा में ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, मगर वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं मैदा ली हुई हूँ। ये करीब 700-750 ग्राम होंगे और इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ और रिफाइंड ऑयल। इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ज़्यादा लगेगा क्योंकि पराठा क्रिस्पी होते हैं इसमें, इसलिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें ज़्यादा, नॉर्मल जो हम पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऑयल डालना पड़ेगा। पहले ऑयल को अच्छी तरह से मैदा में मिक्स कर लेना है। करीब मैंने 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल इसमें डाला है। ऑयल को मैंने मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इस तरह से आप मुट्ठी करें तो बन जाए, बस इतना ही हमें ऑयल इसमें डालना है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर गूंथती जाऊंगी। मैदा को हमें बहुत ही सॉफ्ट करना है, पर वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। मैदा हमारा गूंथ कर तैयार हो गया है। इसे देखिए, बहुत सॉफ्ट, रोटी के आटा से भी और ज़्यादा इसे सॉफ्ट हमें गूंदना है। इसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डालकर इसे गूंदा है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा ऑयल लेकर इसके ऊपर लगा दे रही हूँ ताकि मैदा सूखे ना, और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं पराठा बनाना शुरू करूँगी। मैदा को मैंने करीब 1 घंटा के लिए गूंद कर रख दिया था। मैदा हमारा तैयार हो गया है। अब स्टफिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने 2 अंडा ले लिया है। आपको जितने पराठे बनाने हो आप उतना अंडा लें। अभी मैं 2 बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 अंडा लिया है। प्याज डाल रही हूँ, टमाटर डाल रही हूँ, हरा धनिया और गाजर और थोड़े से शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने हल्का सा सौते कर लिया था, बाकी सारा कच्चा है, तो इसमें मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। और मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, काला नमक और लगभग 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। सारे चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। पराठे को मैं बेलूंगी नहीं, इसे मैं हाथ से फैलाऊंगी। इससे क्या होगा, मैदा जो है वो बहुत ही पतला। मैंने एक थाली ले लिया है और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल अच्छी तरह से फैला दे रही हूँ। थाली को मैंने उल्टा करके रखा है और हाथ में भी अच्छी तरह से ऑयल ले ले। अब मैं थोड़ा सा बड़ा लोई ले रही हूँ और इसे इस तरह हाथों से फैलाए। मैं इसे चकले बेलन पर नहीं बेल रही हूँ, हाथ से फैला रही हूँ। इससे क्या होगा ना, मैदा जो इसकी जो रोटी होगी वो एकदम पतला आएगा और हमें पतला चाहिए। बीच बीच में हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले ले और इस तरह रोटी को फैलाते जाए। इसलिए मैंने मैदा को बहुत ही सॉफ्ट गूंदा है। अगर आप मैदा सॉफ्ट नहीं गूंदेंगे तो इस तरह से जब आप हाथ से इसको फैलाना चाहेंगे तो वो नहीं फैलेगा। इसलिए जब आप मैदा को गूंद रहे होंगे तो उसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और उसे सॉफ्ट करते जाएं, और थोड़ी देर उसे गूंदने के बाद ढककर छोड़ दें। देखिए
देखिए आप, इस तरह से मैं हाथ कर रही हूँ और ये फैल रहा है। और अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेल कर भी बना सकते हैं, पर ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा पतला बेलें। रोटी हमारी तैयार हो गई है, तो चलिए अब इसे तवे पर रखते हैं। मैंने एक तावा ले लिया है और गैस ऑन कर दिया है, तावा गर्म हो गया है। अब मैं इसे, मैंने जो रोटी बेला था, इसे दोनों हाथों से धीरे से उठाकर और तवे पर रख देना है। आमतौर पर आपको मुगलाई पराठा डीप फ्राई ही मिलेंगे, पर मैंने इसे सेलो फ्राई भी नहीं कर रही हूँ। मैं इसे सिंपल पराठा जो एक चम्मच या डेढ़ चम्मच ऑयल से बन जाए, इस तरह ही मैं इसे बना रही हूँ। नहीं तो मुगलाई पराठा डीप फ्राई करके ही बनाया जाता है। पराठा हल्का सा सिक गया है, अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने अंडा और सब्जियों का स्टफिंग तैयार किया था ये मैं डाल रही हूँ। स्टफिंग थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इसमें और थोड़ा सा प्याज ऐड कर रही हूँ। मैं साइड से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने सिम कर दिया है अभी, और इसे इस तरह से फोल्ड कर ले रही हूँ। ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल दे। अब मैं इसे पलट दे रही हूँ, और गैस का फ्लेम सिम रखना है ताकि अंडा अच्छी तरह से पक जाए। इस साइड में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इसी तरह से मैं और एक बना ले रही हूँ। तो ये लीजिए, हमारा एक मुगलाई पराठा बनकर तैयार है। आप इसे सेजवान चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आज मैं आलू की सूखी सब्जी इसके साथ बनाई हूँ, और प्याज की स्लाइस और हरी मिर्च को फ्राई किया है इसके साथ। आप ऐसे आलू की सब्जी भी इसके साथ बना सकते हैं। एक मुगलाई पराठा के साथ इस तरह की सूखी आलू की सब्जी ज़रूर ट्राई करें, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कॉम्बिनेशन कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।